दिया है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि प्रकाशिक समावयवता क्या थी, या क्या कहते हैं ज्यामितीय समावयवता क्या थी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। इसके अलावा हमने दो देख ली थी, ज्योमेट्रिकल और प्रकाशिक समावयवता, जबकि हमने त्रिविम समावयवता को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, याद हो आपको तो फर्स्ट लेक्चर में, जो त्रिविम समावयवता थी स्टीरियो आइसोमेरिज, इसको दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक थी हमारी प्रकाशीय समावयवता, एक थी ज्यामितीय समावयवता, और एक और थी हमारी तीसरी संरूपण समावयवता, ठीक है। ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और ये है कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, ये दो जो समावयवता हैं, प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता, इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं। जैसे ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती हैं, ऐसे ये कन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म होती है। विन्यासी समावयवता, जैसे वो संरूपण समावयवता है वैसे इसको बोला जाता है हिंदी में विन्यासी समावयवता। किनको बोला जाता है विन्यासी समावयवता? ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल को। किसको? ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। अच्छा, ये विन्यासी समावयवता क्या होती है? चलो पहले हम संरूपण समावयवता देखते हैं, फिर विन्यासी क्यों बोलते हैं इनको, हम वो बाद में देखेंगे कि इनको विन्यासी समावयवता क्यों कहते हैं, प्रकाशिक और ज्यामितीय को कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ना होगा? कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ लें। ये समझ में आ गई तो फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगी कैसे होती है। तो मैं इसे मिटा दूँ। ठीक है, तो त्रिविम समावयवता तीन टाइप की होती है, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और ये जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होती है, इसी को हम बोलते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म, दैट इज विन्यासी समावयवता, और वो है संरूपण समावयवता। अब देखते हैं ये क्या है संरूपण समावयवता और विन्यासी समावयवता। यहाँ पर हम केवल छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होंगे वो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इन्हीं तीनों समावयवताओं को पढ़ना है हमें पूरे चैप्टर में डिटेल में, प्रकाशिक समावयवता, ज्योमेट्रिकल समावयवता, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर हैं दो तीन। हम देखते हैं आज जो तीसरी टाइप की समावयवता थी, वो थी संरूपण समावयवता, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या होती है भाई ये? जब मैं आपको ज्यामिति समावयवता बता रही थी तब मैंने बताया था कि जब दो एटम है, मान लो ये एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, अगर ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो ये क्या कर सकती हैं? ये फ्री रोटेशन कर सकती हैं, यहाँ पर मुक्त रोटेशन होता है। और क्या कर सकते हैं? मान लो ये दोनों ऐसे थे, एक्लिप्स्ड थे, तो क्या होगा? रोटेट करके एक अपोजिट चला गया, तो अलग अलग टाइप की कन्फर्मेशन देख सकते हैं। एक्लिप्स हो सकती है, स्टैगर्ड हो सकती है, गॉच हो सकती है, इसको गॉच बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करके, घूर्णन करके अलग अलग विन्यास प्राप्त करते हैं। तो जो इस प्रकार के समावयव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं संरूपण समावयव, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और इसी समावयवता को क्या कहते हैं? कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यानी कि ये जो समावयवता होती है, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, किसकी वजह से उत्पन्न होती है? सिंगल बॉन्ड के अलोंग, यानी कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग मुक्त घूर्णन से, सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन से उत्पन्न होती है। और क्या होता है? जब मॉलिक्यूल फ्रीली रोटेट करता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, तो क्या करता है? अलग अलग तरह के विन्यास ग्रहण करता है। और इसी इसके अलग अलग विन्यासों को क्या बोलते हैं? आपस में समावयव बोलते हैं, संरूपण समावयव। और इसे क्या बोलते हैं? समावयवता।
तो इसका मतलब ये जो समावयवता है किसकी वजह से उत्पन्न होती है, ये जो समावयवता है ये उत्पन्न होती है फ्री रोटेशन की वजह से। किसकी वजह से उत्पन्न होती है? फ्री रोटेशन की वजह से उत्पन्न होती है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इसे हम डिफाइन करेंगे वह समावयवता जो एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड एकल बंध से बंधे यानी देखो से आबंधित परमाणुओं के, वह समावयवता जो एकल बंध से आबंधित अणु में एकल बंध से आबंधित परमाणुओं के भी हो सकते हैं या समूह भी हो सकते हैं। परमाणु भी जुड़ा हुआ हो सकता है जैसे हाइड्रोजन है, या कोई समूह जुड़ा हो सकता है जैसे मिथाइल है। तो आबंधित परमाणुओं के या समूहों के, यहाँ लगा लो, या समूहों के मुक्त घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न विन्यास ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होगा जब मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड से बंधा हुआ होगा, सिंगल बॉन्ड से अलोंग क्या हो सकता है मॉलिक्यूल जो उससे परमाणु जुड़े हुए हैं या उससे कोई समूह जुड़े हुए हैं, वो क्या कर सकते हैं? मुक्त घूर्णन कर सकते हैं। और उस मुक्त घूर्णन की वजह से क्या कर सकते हैं? मुक्त घूर्णन कर सकते हैं। और उस मुक्त घूर्णन की वजह से अलग अलग विन्यास हमको प्राप्त होते हैं। तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? संरूपण समावयव कहलाते हैं। और उनका यही गुण क्या कहलाता है? संरूपण समावयवता कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लें हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या लें इसको? न्यूमैन फॉर्म में लिखें, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। अब आप बोलोगे न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? पहले ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए, उसके बाद हम आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि मॉलिक्यूल को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी देख लीजिए न्यूमैन क्या होती है। न्यूमैन क्या होती है? जैसे कार्बन कार्बन से बंधे हुए हैं, ये न्यूमैन में भी ले सकते हैं, साहॉर्स में भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर न्यूमैन ना लेकर साहॉर्स लेते हैं। कौन सी लेते हैं? कोई सी भी ले लीजिए आप, साहॉर्स ले लीजिए, न्यूमैन ले लीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। दोनों एक लगभग सेम एक जैसी ही होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो हम दिखाएंगे आगे कि क्या होती है साहॉर्स, क्या होती है न्यूमैन। तो चलो न्यूमैन में ले लेते हैं CH3। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। मान लो ये एक कार्बन है, ठीक है, सामने वाला कार्बन। इस मॉलिक्यूल को ऐसे ना रखकर ऐसे रखा है, सामने की तरफ रखा है। तो एक CH3 कैसे रखा हुआ है? मॉलिक्यूल को सामने की तरफ रखा हुआ है। एक CH3 यहाँ पर मौजूद है, एक CH3 यहाँ पर मौजूद है, और ये दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यानी एक CH3 सामने की तरफ है, एक CH3 पीछे की तरफ है, और ये दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन तो ऐसे लगे होंगे, तीसरा हाइड्रोजन कहाँ होगा? नीचे की तरफ, तो हमने जोड़ दिए। सामने वाला कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? इसको थोड़ा ऊपर लिखूं, CH3। ये कौन सा हमारा सामने वाला कार्बन है? ये सामने वाला कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक पीछे वाला कार्बन है, वो हमको दिख नहीं रहा, तो पीछे वाले कार्बन को हमने ऐसे प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि सामने वाला कार्बन और पीछे वाला कार्बन दोनों एक्लिप्स्ड हों। एक्लिप्स्ड मतलब जैसे इसके ये 2 हाइड्रोजन है, वैसे पीछे वाले के 2 हाइड्रोजन, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो? एक्लिप्स कर रहे हो, ढक रहे हो। यानी कि ये पीछे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है ये दिख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन से क्या हो गए हैं? एक्लिप्स हो गए हैं, ढक गए हैं। दिख रहा है ना आपको? ढक गए हैं। ठीक है, तो ये जो कन्फर्मेशन है ये क्या कहलाएगी? एक्लिप्स्ड। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो, उसके हाइड्रोजन तो ऐसे हो अप की साइड और दूसरे वाले के हाइड्रोजन नीचे की साइड हो, तो क्या होंगे? ये भी अलग दिखाई देंगे, ये भी अलग दिखाएंगे। तो ये कौन सी फॉर्म होती है? ये स्टैगर्ड फॉर्म होती है। अभी हिंदी में बताएंगे क्या बोलते हैं इनको। ठीक है, तो क्या हो? एक तो ये कंडीशन है
कि ये हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे वाला कार्बन, ये सामने वाला कार्बन है फ्रंट कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन है बैक कार्बन, तो जो इन दोनों के हाइड्रोजन है वो एक्लिप्स में यानी एक दूसरे को ढके हुए हैं। तो ये पहले सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन और ये पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन, सामने वाले कार्बन का हाइड्रोजन, पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन, तो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो फॉर्म होती है ये होती है एक्लिप्स्ड, इसको क्या बोलते हैं एक्लिप्स्ड। इन दोनों हाइड्रोजनों ने और कार्बन ने एक दूसरे को क्या कर रखा है एक्लिप्स कर रखा है, घेर रखा, ढक रखा है। तो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ तो अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया है लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस नहीं है, क्या है दोनों बिल्कुल एक दूसरे को क्या कर लेंगे कवर कर लेंगे, लेकिन एक से कवर करके दिखाएंगे तो फिर हमें दिखेंगे कैसे कि पीछे कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो हमने इनको ऐसे दिखाया है, एक तो ये फॉर्म है जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं हम एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसी को बोलते हैं ग्रसित रूप। एक कंडीशन ये हो सकती है कि सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन तो यूं हैं इरेक्ट वाई बना रहे हैं और जो पीछे वाला कार्बन है उसके हाइड्रोजन अब एक्लिप्स ना होकर क्या हो स्टैगर्ड हो, यानी कि जैसे ये वाला हाइड्रोजन है इसके अपोजिट एक हाइड्रोजन होगा, ये दो हाइड्रोजन ऐसे थे अब ये ऐसे बने हुए होंगे। तो एक तो ये फॉर्म होती है, ये होती है एक्लिप्स फॉर्म और ये होती है स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी है स्टैगर्ड फॉर्म, ये ग्रसित रूप है और इसको बोलते हैं सांत्रित रूप, इसको क्या बोलते हैं ठीक है। तो यहाँ पर दो कन्फर्मेशन पॉसिबल हैं, ये क्यों हुई कार्बन कार्बन के अलोंग रोटेशन से, कार्बन कार्बन के अलोंग बॉन्ड की रोटेशन से क्या हुआ, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे ये क्या है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन क्या है कार्बन भी क्या है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगे रोटेट करेंगे, क्या करेंगे रोटेट करेंगे। ऐसे ये पीछे वाले चाहे तो आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रोटेट करा दो या पीछे वाले कार्बन को रोटेट करा दो ठीक है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए ये आसानी से क्या कर सकते हैं रोटेट कर सकते हैं, यानी कि ये जो बॉन्ड है इससे ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये क्या कर सकता है रोटेशन कर सकता है, मुक्त है रोटेशन करने के लिए, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है फ्री रोटेशन बोला जाता है, क्योंकि जब इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड है, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर फ्री रोटेशन होगी, मॉलिक्यूल आसानी से रोटेट कर लेगा। तो ये जो आपस में क्या कहलाएंगे इन्हीं को कहा जाएगा संरूपण समावयव, ये आपस में क्या कहलाएंगे संरूपण समावयव, और इनका ये गुण क्या कहलाएगा इनका ये गुण कहलाएगा संरूपण समावयवता, इनका यही गुण क्या कहलाएगा संरूपण समावयवता। ये कौन से किसके एग्जांपल था इथेन, ये इथेन के क्या हैं संरूपण है कन्फर्मर्स हैं, इथेन के कॉन्फर्मर्स हैं ये ठीक है। ऐसे जैसे हमने इथेन के लिए बनाया ऐसे ही हम किसके लिए भी बना सकते हैं ब्यूटेन के लिए भी बना सकते हैं, जैसे ब्यूटेन क्या होता है CH3 CH2 CH2 CH3, तो हम इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ले लें, हम मान लें कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एक ये कार्बन है इस पर दो हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या कर सकता है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये दोनों, तो ये कार्बन भी रोटेट कर सकता है, तो यहाँ पर भी दो फॉर्म होंगी स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड। इसके अलावा एक स्क्यू और गॉच फॉर्म भी होती है, जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे अलग से संरूपण समावयवता को तो वहाँ पर हम सारे पढ़ेंगे स्टैगर्ड फॉर्म गॉच फॉर्म एक्लिप्स्ड फॉर्म कैसी होती है और इनमें से स्थाई कौन सी होती है अस्थाई कौन सी होती है तो कौन ज़्यादा स्टेबल होती है, तो वो हम सब पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो केवल क्या है एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए ठीक है। ठीक है तो हमने एक ग्रुप तो ये ले लिया एक कार्बन, दूसरा कार्बन ये ले लिया, ये सामने रखा हुआ है ये कार्बन इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ थोड़ा सा नीचे बनाती हूँ। ये क्या है फ्रंट वाला कार्बन, ये वाला कार्बन है कार्बन वन, चलो नाम दे देती हूँ ये वन और ये टू, तो ये कौन सा है कार्बन नंबर वन, इस पर क्या जुड़े हुए हैं दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इस पर क्या जुड़ा हुआ है एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसे इसके बैक वाला कार्बन होगा उस पर भी क्या जुड़े हुए हैं दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक क्या जुड़ा हुआ है CH3 जुड़ा हुआ है। अगर ये एक दूसरे को ढके हुए हैं इस फॉर्म में इरेक्ट वाई फॉर्म में है तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे इस फॉर्म को क्या कहते हैं अभी अभी बताया था, ये फॉर्म कहलाती है एक्लिप्स्ड।
ग्रसित, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ये फ्रंट वाला कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, ये सामने वाला कार्बन तो ऐसे ही मौजूद है, लेकिन जो पीछे वाला कार्बन है वो घूम गया, रोटेट कर गया, सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ है तो रोटेशन कर सकता है, तो वो क्या कर गया, रोटेट कर गया। तो रोटेशन करेगा तो क्या हुआ, ऐसे रोटेट कर गया, मान लो CH3 अपव आ गया, HH इधर आ गए, तो ये वाली जो फॉर्म है ये कहलाएगी स्टेगर्ड, अंतरित रूप, ठीक है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म यही होती है स्टेगर्ड फॉर्म, हम बताएंगे जब डिस्कस करेंगे कि क्यों ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अभी एग्जांपल में हम ऐसे देख लीजिए, तो यानी कि संरूपण समावयवता क्या होती है, संरूपण समावयवता उन कार्बोनिक यौगिकों में पाई जाती है जहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, जहाँ पर क्या होता है मुक्त घूर्णन फ्री रोटेशन होती है, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के अलोंग जो मॉलिक्यूल या समूह जुड़े हुए हैं वो मुक्त घूर्णन करने के लिए यानी फ्री रोटेशन करने के लिए पूरी तरह से मुक्त होते हैं, यानी मुक्त घूर्णन करते हैं, फ्री रोटेशन करते हैं, वो होती संरूपण। अच्छा, अभी मैंने बोला था प्रकाशिक और ज्यामितीय समावयवता को एक और नाम दिया था जिसको बोला था कन्फिग्यूरेशनल यानी विन्यासी समावयवता। आपको ये समझ में आ गई संरूपण समावयवता क्या होती है, ये किसकी वजह से बनती है, बॉन्ड के रोटेशन की वजह से, बॉन्ड फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड आराम से फ्रीली रोटेट कर ले। तो हम देखेंगे विन्यासी समावयवता कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये जस्ट उसके अपोजिट है। अपोजिट मतलब कन्फर्मेशन में क्या था, कन्फर्मर्स बन रहे थे, फ्री रोटेशन था, कन्फर्मर्स बन रहे थे, बस वही चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। इसको विन्यासी समावयवता क्यों कहते हैं, कन्फिग्रेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुक्त घूर्णन नहीं होता, मुक्त घूर्णन नहीं होता, यानी कि मॉलिक्यूल जो है मुक्त घूर्णन करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता, एक्लिप्स और स्टैगर्ड में नहीं जा सकता। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है, दृढ़ होता है। अगर मुझे कोई दूसरी फॉर्म में चेंज करना है तो बॉन्ड को घुमाने से काम नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड घूमेंगे ही नहीं, सिंगल बॉन्ड जरूर मौजूद होगा लेकिन फिर भी रोटेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो बॉन्ड को तोड़ो, एक बॉन्ड को तोड़ो फिर दूसरी तरीके से जोड़ो, यानी कि बॉन्ड का टूटना होगा, बॉन्ड का बनना होगा। यहाँ पर जब तक बॉन्ड को तोड़ेंगे नहीं तब तक दूसरा फॉर्म बना नहीं सकते, जबकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर कोई बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ रहा था, वहाँ पर तो मुक्त घूर्णन थी, वो तो सिर्फ रोटेट करके अपने आप दूसरे एक से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुक्त घूर्णन नहीं होगा, यहाँ पर हमें बॉन्ड ब्रेकिंग करनी पड़ेगी यानी बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा। अगर एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो जो ऐसे समावयव होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं विन्यासी समावयव, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स, विन्यासी समावयव। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह किन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो यह उन समावयवियों द्वारा, यह उन समावयवियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, प्रदर्शित की जाती है जिनमें, उन समावयवियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें आबंधों को बिना तोड़े एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिनमें आबंधों को बिना तोड़े एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता,
यानी कि यहाँ पर हमको बॉन्ड ब्रेकिंग करनी ही पड़ेगी, तभी हम दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं करेंगे तो हम उसको दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? तो हमको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग करनी पड़ेगी किसके केस में, वन्यासी समावयवता केस में। लेकिन अगर कन्फिग्रेशन है, कन्फॉर्मर्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर तो रोटेशन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वन्यासी समावयव दो तरह के थे, ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक तो प्रकाशिक, प्रकाशिक और दूसरे ज्यामितीय। ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, विन्यासी समावयवता। यानी कि हमें एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करना है तो हमको बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लें, सी डबल बॉन्ड सी, सी एच थ्री, सी एच थ्री, एच एच। अब मैं कहूँ ये कौन सी फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। मैं कहूँ मुझे ट्रांस फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या कहोगे तुम, कि घुमा दो इस कार्बन को, घुमा दो तो चेंज हो जाएगा। लेकिन नहीं, नहीं घूम सकता भाई, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड है। और जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, फिक्स हो जाता है। यानी कि वहाँ पर मुक्त घूर्णन ना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि इस कार्बन पे रोटेशन कर दूँ, घुमा दूँ और सी एस थ्री नीचे आ जाए, एच ऊपर चला जाए, ना। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा। अगर मुझे सी एस थ्री को नीचे लेके आना है और एच को ऊपर लेके जाना है, तो बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तभी क्या बनेंगे, ये बनेगा एच ऊपर आ जाएगा, सी एस थ्री नीचे आएगा, सी एस थ्री एच, ये क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। यानी कि जब तक हम बॉन्ड को तोड़ेंगे नहीं, तब तक एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? तो यानी कि इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं, उनमें हम जब तक बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मुक्त घूर्णन नहीं होता, फ्री रोटेशन नहीं होता। ऐसे ही जैसे हमने फिशर प्रक्षेप में लिखा, जैसे सी ओ एच है, ये भी सी ओ ओ एच है, एक ओ एच एच, ओ एच एच। अब मुझे ये बनाना हो सी ओ ओ एच, ओ एच को इधर लाना, एच को इधर लाना, ये वाला ओ एच इधर है, इधर एच है, सी ओ ओ एच है। तो यहाँ पर भी तो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या मुक्त घूर्णन पॉसिबल है? नहीं। यहाँ पर भी जब तक मैं बॉन्ड को, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तब ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा और इधर आकर जुड़ जाएगा, तब जाके ये पॉसिबल होगा। यानी कि ये भी आपस में क्या है, ये प्रकाशिक समावयव है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या है ये, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रकाशिक समावयव है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आते हैं, विन्यासी समावयवता के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जरूर है, लेकिन मुक्त घूर्णन नहीं है। हमें यहाँ पर अगर एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि अगर हमें विन्यास चेंज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर बॉन्ड को जोड़ना पड़ेगा। यानी बॉन्ड ब्रेकिंग मस्ट है विन्यासी समावयवियों में, यहाँ पर मुक्त घूर्णन पॉसिबल नहीं है। तो ये थे हमारी समावयवता क्या होती है और कितने टाइप की होती है। अब हम धीरे धीरे इन सारी समावयवताओं को पढ़ेंगे डिटेल में, और जानेंगे कि इनके अंदर क्या 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 होता है। प्रकाश, और सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है जो आपको जानना है। लेकिन उससे पहले हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन यानी कि एक 3D मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, 3 डायमेंशन में होगा। लेकिन हमको किस पर दिखाना है, बोर्ड पर। बोर्ड कैसा होता है, 2D। तो यानी कि 3D मॉलिक्यूल को 2D बोर्ड पर दिखाने के लिए, 2D प्लेन पर दिखाने के लिए हम कुछ रिप्रेजेंटेशन का सहारा लेते हैं। उन्हीं रिप्रेजेंटेशन को मैं आप बताने वाली हूँ, हम कितनी रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स की, क्या देखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा, मैंने न्यूमैन बनाया था, एक मैं फिशर बनाया था, जो मैंने लाइन वाला स्ट्रक्चर लिखा था वो फिशर रिप्रेजेंटेशन थी। एक तो हिंदी में इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन को, शायद हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपण सूत्र। क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण सूत्र। रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होती हैं, शायद हिंदी में यही बोलते हैं, मुझे कन्फर्म नहीं है, हिंदी आप देख लेना, बट मैं बोल रही हूँ रिप्रेजेंटेशन देखनी है। तो क्या होता है, 3D अणु को या 3D मॉलिक्यूल को 2D में दिखाने के लिए हम कुछ रिप्रेजेंटेशन का सहारा लेते हैं। तो चार तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी। एक तो होगी वेज रिप्रेजेंटेशन, एक तो होगी वेज रिप्रेजेंटेशन, वेज जो भी वेज सूत्र या वेज प्रक्षेपण सूत्र, यहाँ लिख दो वेज सूत्र होगा या प्रक्षेपण सूत्र, वो आप देख लीजिएगा कैसे क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, डिक्शनरी में देख लीजिएगा, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है।
वेज रिप्रेजेंटेशन एक होती है, फिशर रिप्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं फिशर प्रक्षेपण सूत्र या फिशर सूत्र, तीसरा होता है जो अभी हमने देखा न्यूमैन। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हिंदी इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है, वेज रिप्रेजेंटेशन है तो हिंदी में भी इसको वेज ही बोलोगे, बस पीछे बस रिप्रेजेंटेशन की जगह उसकी हिंदी लगा दो, प्रक्षेपण सूत्र या सूत्र जो भी बोलते हैं, फिशर है तो उसको फिशर ही बोलोगे, न्यूमैन है तो उसको न्यूमैन सूत्र या न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, और चौथा होता है साहर्स सूत्र। ये चार तरह की रिप्रेजेंटेशन का हम यूज़ करते हैं एक 3D मॉलिक्यूल को 2D मॉलिक्यूल में दिखाने के लिए। एक 3D मॉलिक्यूल को हम 2D मॉलिक्यूल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए हम किस किस का यूज़ करते हैं, वेज रिप्रेजेंटेशन, फिशर, न्यूमैन, साहर्स, इन चार रिप्रेजेंटेशन का हम प्रयोग करते हैं। तो बारी बारी देखते हैं कि क्या क्या होती हैं ये रिप्रेजेंटेशन और इनमें मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन हम आज देखते हैं, बाकी की रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम वेज से शुरू करते हैं, क्या करते हैं वेज को देखते हैं कि वेज में क्या होता है, क्योंकि पीछे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप लोगों को भी शोर आ रहा होगा, तो मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर ले नहीं रही हूँ, खींच नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर मेरी आवाज़ की वजह पीछे का शोर सुनाई देगा आपको, इसलिए वेज रिप्रेजेंटेशन। जब भी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली होती है, वो है पोजीशन। किसकी? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं मॉलिक्यूल को देख रही हूँ, तो मैं उसको किस एंगल से देख रही हूँ। अब जैसे मैं हूँ कोई इंसान, अब तुम लोग हो, मुझे सामने से देखोगे तो मैं ऐसे दिखाऊंगी, मतलब मेरा फेस तुमको दिखाई देगा अगर तुम लोग सामने से देखोगे, ठीक है। तुम ऑब्जर्वर हो, तुम मुझे देख रहे हो तो मेरा फेस दिखाई देगा। तुम अगर कोई इंसान मेरे पीछे से मुझे देख रहा है तो उसे मेरी पीठ दिखाई देगी, यानी कि पोजीशन अगर अलग अलग होंगी तो मॉलिक्यूल भी लोगों को कैसा दिखाई देगा, अलग अलग तरीके का दिखाई देगा। तो ऐसे तो फिर कभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ ही नहीं पाएंगे, कोई आगे से देख रहा है, कोई पीछे से देख रहा है, कोई लेफ्ट से देखेगा तो उसे अलग दिखेगा, राइट से देखेगा तो उसे मॉलिक्यूल अलग दिखेगा, तो ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होती है कि हमें जो ऑब्जर्वर है उसकी पोजीशन डिफाइन होनी चाहिए, कि भाई हाँ ऑब्जर्वर कहाँ से देखेगा, कि सामने से देखेगा, कहाँ से देख रहा है, सामने से देखेगा। हम कहाँ से मॉलिक्यूल को हम कहाँ से देखेंगे, सामने से देखेंगे, यानी फ्रंट से देखेंगे, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर शुड बी डिफाइंड, यानी कि सबसे पहले क्या फिक्स, डिफाइंड नहीं फिक्स होनी चाहिए कि ऑब्जर्वर कहाँ से देखेगा मॉलिक्यूल को, वो फिक्स होना चाहिए, क्योंकि सब फिर अपनी मर्जी करेंगे, नहीं मैं आगे से देखूंगा, मैं पीछे से देखूंगा, तो फिर अलग अलग तरीके का मॉलिक्यूल तो दिखाई देगा ही, जो मुझे सामने से देखेगा उसे मेरा फेस दिखेगा, जो पीछे से देखेगा उसको मेरी पीठ दिखेगी, है ना। तो दोनों तरफ से सेम तो नहीं दिख सकता, मेरा फेस पीछे से तो नहीं दिख सकता, तो इसका मतलब है पोजीशन फिक्स होनी चाहिए ऑब्जर्वर की। तो आपको आपकी पोजीशन फिक्स करनी है कि मैं मॉलिक्यूल को कहाँ से देख रही हूँ, कि मॉलिक्यूल यहाँ रखा हुआ है, मैं उसको सामने से देख रही हूँ, कहाँ से देख रहे हैं हम, सामने से देख रहे हैं। तो वेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वेज रिप्रेजेंटेशन में तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। वेज रिप्रेजेंटेशन में तीन तरह से बंधों को दिखाया गया है। पहला क्या, यहाँ लिख लेते हैं, वेज शायद प्रक्षेपण सूत्र ही बोलते हैं, वेज प्रक्षेपण सूत्र में तीन तरह से बंधों को प्रदर्शित करते हैं। कैसे? दो बॉन्ड्स को प्रदर्शित किया जाता है, दो बॉन्ड्स शॉर्ट में लिख रही हूँ, बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं दे रही। दो बॉन्ड्स को दिखाया जाता है सीधी लाइन से, किससे? लाइन से। दो बॉन्ड को किससे दिखाते हैं? लाइन से। एक बॉन्ड को दिखाते हैं थिक लाइन से। ये कैसी लाइन है? थिक लाइन। इसी को बोलते हैं हम, एक होती है थिक लाइन और एक बॉन्ड को हम दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। किससे दिखाते हैं? डॉटेड। डॉटेड लाइन से। तो तीन तरह के बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड होंगे जिनको सिंपल लाइन से दिखाएंगे, एक बॉन्ड होगा जिसे थिक लाइन से दिखाएंगे, एक बॉन्ड होगा जिसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो जो बंद तल पर मौजूद रहते हैं, अब कौन से दो बॉन्ड होंगे जिन्हें हम लाइन से दिखाएंगे? तो जो बंद कहाँ पर रहेंगे? जो बंद तल पर मौजूद होते हैं,
तो इस लाइन से, यानी कि जो जो सिंपल लाइन है इससे कौन से बंधों को दिखाया जाता है, जो तल पर मौजूद होते हैं, यानी कि जो प्लेन पर मौजूद होंगे। ये क्या है, ये कौन सा है, एबव द प्लेन या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या किया हमने, ऑब्जर्वर की पोजीशन को डिफाइन कर दिया। जैसे ऑब्जर्वर मैं हूँ, मैं सामने से देख रही हूँ और मॉलिक्यूल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो दो बॉन्ड तो प्लेन पर होंगे, ये दो बॉन्ड तो प्लेन पर हैं, एक बॉन्ड क्या होगा प्लेन के ऊपर होगा, एक बॉन्ड क्या होगा प्लेन के ऊपर, ये प्लेन पर नहीं है, प्लेन से क्या है ऊपर है, तो प्लेन के ऊपर। तो ये क्या है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं सामने से देख रही हूँ, तो ये बॉन्ड किसकी तरफ है, मेरी तरफ है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। यानी कि ये भी कह सकते हैं ये तल है, तल के रेस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, तल से ऊपर, एबव द प्लेन है, ठीक है, या मेरे रेस्पेक्ट में देखें, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो क्या है ये, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एबव द प्लेन, या हिंदी में बोलूँ तो तल के ऊपर, या फिर इसको बोलते हैं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर है, उसकी तरफ आने वाले बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो तल के ऊपर वाले बंद होते हैं उनको दिखाते हैं किससे, सॉलिड लाइन से, जो भी बंद तल के ऊपर उपस्थित होंगे उनको सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। तो ऐसी थिक लाइन से, डॉटेड लाइन से किसको दिखाते हैं, जो तल के पीछे, यानी कि ये जो तल है बोर्ड, तो एक बॉन्ड कहाँ होगा, बोर्ड के पीछे की तरफ। तो अगर बॉन्ड बोर्ड के पीछे की तरफ है, यानी कि इस पीछे दीवार की तरफ है, दीवार में पीछे की तरफ जा रहा है, तो क्या वो मेरी तरफ आ रहा है या मुझसे दूर जा रहा है, वो बॉन्ड मुझसे दूर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं सामने से देख रही हूँ, ये वाला बॉन्ड कहाँ जा रहा है, दीवार के पीछे, यानी मुझसे दूर जा रहा है। ये बॉन्ड कहाँ आ रहा था, मेरी तरफ, एबव द प्लेन आ रहा था, और ये कहाँ है, बिलो द प्लेन, यानी तल के नीचे जा रहा है, और मुझसे कहाँ जा रहा है, दूर, तो बिलो, क्या कहते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से कहाँ जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है। प्लेन के कैसा है, प्लेन के बिलो है, बिलो मतलब पीछे है, तो यहाँ पर ये कौन से होते हैं, बिलो द प्लेन, क्या होते हैं इनको बोलते हैं, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन का मतलब तल के नीचे। और अगर ऑब्जर्वर के, यानी मेरी तरफ से डिफाइन किया है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरे रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि मैं मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाऊंगी, दो बॉन्ड होंगे तल पर, एक बॉन्ड जो तल के ऊपर होगा उसको सॉलिड लाइन से, एक बॉन्ड जो तल के नीचे होगा उसको डॉटेड लाइन से, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो हमको हमेशा ऐसे ड्रॉ करना है और इसके हाफ से देखना है, यहाँ पर नज़र रखनी है तब देखना है। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला जो सी वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो तल पर है, ये कैसे है मैं दिखाऊं आपको, ये दोनों तो तल पर मौजूद हैं, ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं, तल पर मौजूद हैं, तल पर हैं, और ये सी बॉन्ड क्या होगा, तल के ऊपर, ये तल पर नहीं है, तल पर होता तो ऐसी लाइन से दिखाते, ये क्या है, तल के ऊपर है, यानी कि तल से थोड़ा सा उठा हुआ है। और ये डी वाला बॉन्ड कहाँ है, अगर ये आगे की तरफ उठा हुआ है तो ये बोर्ड के पीछे की तरफ उठा हुआ होगा, बिलो द प्लेन होगा। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो डी अबव द प्लेन है, सी कहाँ है, बिलो द प्लेन है, ये ए, ये बी है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं दिखा सकते आपको कि हम तो ऐसे दिखाएंगे, ये बना दिया, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है आपको मॉलिक्यूल। आप ऐसे करो, ऐसे करो, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर दिख रहा है ना, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अबव द प्लेन और ये है बिलो द प्लेन, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये रिप्रेजेंटेशन भी करेक्ट है, ये वाली रिप्रेजेंटेशन भी करेक्ट है और ये वाली रिप्रेजेंटेशन भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो ये गलत है। आपको हमेशा क्या देखना है, आपको जैसे ये कार्बन है तो इसके मिड पर देखना है, यहाँ पर मिड पर देखना है, तो जो ग्रुप होंगे इसके ऊपर ही लगे होंगे, मिड से ऊपर, तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी। ये जो रिप्रेजेंटेशन है यही कहलाती है हमारी वेज रिप्रेजेंटेशन, वेज रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर दो बॉन्ड्स प्लेन पर होते हैं, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, टुवर्ड्स द अबव द प्लेन कह लो, या मेरी तरफ आ रहा है, मैं सामने से देख रही हूँ ना मॉलिक्यूल को, मैं ऑब्जर्वर हूँ, सामने से देख रही हूँ तो मेरी तरफ आ रहा है, तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये जो क्या है, बोर्ड के पीछे है, बिलो द प्लेन है, ये बोर्ड मेरा अगर प्लेन है तो ये बोर्ड के पीछे, यानी बिलो द प्लेन, तल के पीछे है। और अगर मैं अपने रेस्पेक्ट में देखूँ, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखूँ, तो क्या है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है।
तो अगर हम मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है वैज रिप्रेजेंटेशन, एक 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका। बाकी की 3 रिप्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।